फरीदाबाद में दिन दहाड़े लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के युवा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। फरीदाबाद में कुछ गाड़ियों में सवार होकर आए लोगों ने दिन दहाड़े लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के युवा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी युवक लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर आए थे और हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शी की माने तो मृतक मनोज भाटी सेक्टर 31 में अपने प्रॉपर्टी डीलर दोस्त से मिलने आया था। जैसे ही वहां से निकला उसके पीछे गाड़ियां लग गईं। गाड़ियों में सवार युवकों ने मनोज पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे घबराकर मनोज ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली, जिसके बाद मृतक जान बचाने के लिए कॉलोनी में अपनी गाड़ी ले गया। लेकिन आरोपियों ने कॉलोनी के अंदर भी उसका पीछा किया और फिर अचानक सामने खड़ी बुलेट पर मनोज की गाड़ी चढ़ गई, जिससे गाड़ी रुक गई। इसके बाद गाड़ी में सवार युवकों ने उसकी गोलियों से हत्या कर दी। हुआ क्या, ये उधर से सरिया वाले की दुकान पे खड़े थे, वहाँ पे गोली चलाई थी, करीबन 15-20 गोली चली थी और वहाँ से जान बचा के भागे। यहाँ पे बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी थी, उस पर ये गाड़ी चढ़ गई, भागने का मौका मिला। पीछे से करौला वाले आए, उसने निकाल के पिस्तौल, उसमें 9 गोली लगी। दिन दहाड़े हुई इस हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही। पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में लगातार जांच कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिली थी, पब्लिक ने दी थी, ऐसे ऐसे सर में केयर में बोलते सर, हम तुरंत मौका पे पहुंचे थे तो यहाँ पे देखे एक स्कॉर्पियो गाड़ी में एक मनोज नाम का युवक था, यहाँ लड़का तो ड्राइवर सीट पे बैठा था, उसके सर में गोली लगी है। नाकाबंदी दिखी गई है, क्राइम की टीमें भी लगी हुई है और थाने की पुलिस टीम लगी हुई है। जल्दी इसमें कोई लीड मिलते ही इसमें जल्द उनके घर वालों से पता चले किसी कोई रंजिश है या कुछ है तो जल्दी। फिलहाल क्राइम ब्रांच की कई टीमें और पुलिस के आला अधिकारी मामले की जाँच में जुटे हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।